कि बीजेपी की विदाई की तारीख अब तय हो गई है और क्या कुछ कहा इसके अलावा जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया, इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। 10 तारीख के बाद जो समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि यहाँ के गरीबों का, यहाँ के लोगों का 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं आएगा, शून्य उनका बिल होगा। साथ ही साथ आगे पढ़ाई करने वाले नौजवानों को लैपटॉप भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही है। जिस तरीके से पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, यहाँ के कुछ बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठे थे उनके निर्देश पर जिला स्तर के अधिकारियों ने किस तरीके से लूटपाट मचाई थी, किस तरीके से लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिया था, यहीं से वो तस्वीरें गई थी जहां पर माताओं बेटियों की साड़ी खींच लिए गए थे, कपड़े फाड़ लिए गए थे। इसलिए ऐसे अधिकारी जिन्होंने लगातार बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर के काम किया है उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जरूर समाजवादी पार्टी लिख करके देगी। स्पेस नहीं मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो पूरा स्पेस है, वो सुबह से लेकर के शाम और शाम से लेकर के रात तक अगर लाइव रहना चाहें तो उनके पास व्यवस्था है, वो रह सकते हैं, लेकिन ये संभव और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन्हें भी वर्चुअल रैलीज के लिए कहीं ना कहीं सहयोग किया जाए और जो चैनल्स हैं उन पे भी स्पेस उन्हें बराबर का मिले। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा वो भी जरा सुनिए।